आपको याद दिलाऊं 1934 में जब आपने शुरू शुरू किया था तो आपकी पेंटिंग्स आपने दस दस रुपये में बेची थी ये बात सही है उसके बाद 1937 में आपने 20 20 रुपए में पेंटिंग्स बेची कुछ दिन तक 20 20 लाख रुपए आपका पेंटिंग का रेट हो गया था और आज एक एक करोड़ दस रुपए से एक करोड़ तक का जो सफ़र है कैसे तय कर लिया आप उससे पहले हमारे 20 साल 25 साल बिल्कुल गुमनाम गुज़रे कोई नहीं जानता था कि कहाँ है मैं जब उन्नीस सौ सैंतीस छत्तीस में बॉम्बे आया तो वहाँ हालांकि उससे पहले मुझे गोल्ड मेडल मिल चुका था इंदौर में बंद्रे वग़ैरह के साथ तो वहाँ कोई जानता ही नहीं था तो अब कुछ तो अपने रोज़ी कमाने के लिए कुछ करना था तो मैं सिनेमा की होर्डिंग बनाना शुरू की तो वो पाँच छः साल तक बनाता रहा फिर उसके बाद ये साइन बोर्ड ये पेंट किए तो ऐसे मैंने कोई अट्ठारह साल निकाले कितने पैसे मिलते थे उसमें एक साइन बोर्ड बनाने के साइन वो उस वक्त जो, जो बनाते थे छः आने रोज मिलते थे जब मुंबई पहुंचे तो ऐसे लोग थे जो किसने आपका साथ दिया हो कोई दोस्त कोई रिश्तेदार वो जो वो एरिया जो रेड लाइट एरिया है फॉरेस्ट रोड जंक्शन वहाँ पर एक शबाब नाम के एक इंदौर के थे जो ये सिनेमा होर्डिंग बनाते थे उनके पास गया तो उन्हें कहा देखो भैया आप जो करते हैं मॉडर्न आर्ट यहाँ नहीं चलेगा यहाँ तो शक्ल मिलनी चाहिए तो इसलिए आप अभी सिर्फ रंग मिक्स कीजिए बैकग्राउंड में लगाइए और ये करते रहिए तो मैंने कहा चलिए यही सही तो छः आने रोज़ मिलते थे बाहर जो पेमेंट थे पे वहाँ सोता था मेरे पास एक यानी चार पैसे नहीं होते थे एक आना जो कहते हैं कि ट्राम में जाऊँ मैं, मैं ग्राउंड फ्लोर से चल के दादर जाता था समझे और वहाँ जाके ये ये बता के ये ऑर्डर लेता था अच्छा आप दो तीन ऑर्डर मिलते थे पैसे जब लेने जाओ तो उसमें दो तीन कंपनियाँ ग़ायब हो जाती थी तो वो भी नहीं मिलते थे कुछ मिले और आपको तजुब होगा कि उस वक्त वो क्या थी चार आने स्क्वायर फीट है ना उसके अंदर लकड़ी आपकी कपड़ा आपका रंग आपका तो मैं कारपेंटर नहीं रख सकता था तो मैं अपने हाथ से सारी कॉर्पेंटरी करता था अभी अभी आ, मेरा अभी तक मेरा वो जो प्रैक्टिस है हथौड़ी कभी मिस नहीं हो सकती हथौड़ी बराबर कीले बार पड़ती है तो ये, ये 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 ये, ये किस्मत की जो हथौड़ी है वो वो बिल्कुल छोटी से छोटी जगह पर ठीक ठिकाने पर पड़ रही है